नमस्कार दोस्तों, ये जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के द्वारा जारी किया गया है और इस पीडीएफ में भारत के बाउंड्री के बारे में डिस्कशन किया गया है। पाकिस्तान का जो सीमा है वो भारत के किस किस राज्य से लगता है? वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। चीन का सीमा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ लगता है। भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है? तो 7 देशों के साथ, जिसमें से सबसे बड़ा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। 25 देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर याद करने का तरीका भी है, बचपन बचपन में बा बस हो गया, बचपन बस से हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। किस भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल और भूटान दोनों देशों से लगती है? तो मतलब दोनों से लगती है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है? मिजोरम। इनमें से किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? लद्दाख। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा लगने वाला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। इनमें से किस राज्य की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश। इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ लगने वाली जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ लगने वाली जो सीमा राज्य की सीमा है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये सब राज्य जो है वो म्यांमार के साथ इनकी सीमा लगती है। इनमें से किस राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो नेपाल और बांग्लादेश। इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल और भूटान के बीच स्थित है? सिक्किम। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। इनमें से किस देश के साथ असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भूटान और बांग्लादेश के साथ, दोनों के साथ। इनमें से किस देश के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? तो किसी के साथ नहीं, क्योंकि हरियाणा जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। थैंक यू।